नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की सबसे सहारानी ने कार्रवाई के लाई जाने वाली आईपीएस अधिकारी हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा लगातार गुंडों बदमाशों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ऐसे 20 शहर के गुंडे बदमाशों की लिस्ट तैयार कर रखी है, जिन पर आने वाले समय पर कार्रवाई की बात कही गई है। इंदौर में करीबन 8 दिन से अवैध निर्माण पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि जिन गुंडों बदमाशों ने कानूनी अतिक्रमण कर रखा है, अब उनके अवैध अतिक्रमण पर पुलिस निगाह बनाए हुए है और पिछले दिनों चाकूबाजी, नार्कोटिक ड्रग्स से संबंधित या फिर किसी गंभीर अपराध से लिप्त बदमाशों की लिस्ट तैयार की गई है। तो वहीं जिन बदमाशों पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं, उनके भी अवैध अतिक्रमण देखे जा रहे हैं, जिनकी कुल 20 ऐसे बदमाशों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और लिस्ट के अनुसार लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। ये कार्रवाई से शहर की जनता में पुलिस का विश्वास जगाने के लिए की जा रही है, ताकि गुंडे बदमाशों का भय और आतंक शहर में कम किया जा सके। फिर आने वाले दिनों में एक बार फिर पुलिस अपना डंडे के बल पर बदमाशों के अवैध अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर शहर को स्वच्छ करने का काम में जुट गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले इंदौर के नवनिर्माण कंट्रोल रूम पर हुई इंदौर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक में आईजी योगेश देशमुख द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे गुंडे बदमाशों की लिस्ट तैयार की जाए जो करीबन 6 महीने से गंभीर अपराधों में लिप्त हैं और आदतन अपराधी हैं। तो वहीं जिले के सभी थानों में थाना क्षेत्र के लिस्टेड बदमाशों की गुंडा लिस्ट तैयार की जाए और उस गुंडा लिस्ट के अनुसार उन गुंडों के थानों शनिवार और रविवार को हाजिरी लगवाई जाए, ताकि शहर में अमन चैन शांति बनी रहे। इसके मिलने जुलने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मुख्य जो जेल रिहाई से छुपे हुए जो बदमाश है, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो गुंडे हैं, सब पर कार्रवाई करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। इसमें अगले 2 दिनों में एक ही बार शहर के सभी हिस्ट्री सीट को अलग अलग थानों में बुलाया जा रहा है। उनके अलग अलग उनके जो डाटा है, उनके जो जानकारियाँ हैं, उसको अपडेट किया जाएगा। उसके एक दिन बाद जितने शहर के गुंडे लिस्ट के बदमाश हैं, उनको थानों में बुलाया जाएगा और उनकी भी पूरी जानकारी को अपडेट किया जाएगा। उसमें सभी से उसमें पूछताछ की भी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि में अगर कोई पिछले 6 महीने में सक्रिय रहा है और लूट चाहे सचिंग जैसे वारदातों को या बॉडी ऑफेंस चाकूबाजी जैसी वारदातों को अगर कोई अंजाम देता है, ड्रग नार्कोटिक्स जैसे अपराधों में संलग्न है, तो इस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, आज कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये कई बड़े उद्योग से संबंधित जुड़े हुए लोग इन पर हाथ डाल रखते हैं और फिर आपने देखा होगा कि पिछली बार जब अभियान शुरू किया गया था तो ऐसे हर क्षेत्र के लगभग 120 ऐसे बड़े अपराधियों के अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था। इसमें उद्देश्य था, एक पूरी प्रक्रिया एक कानून की परिधि में हुई थी। मुख्य तौर पर ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपराध के बल पर लोगों में भय पैदा करके दूसरे लोगों के घरों पर, मकानों पर, सरकारी जमीनों पर जो संपत्ति पर काबिज किया था, उससे उन्हें मुक्त कराया गया। इससे लोगों में एक विश्वास बढ़ा, लोगों में कानून का सम्मान बढ़ा और ऐसे अपराधियों का जो एक झूठा उन्होंने एक आभासी आवरण तैयार कर रखा था, वो टूटा। निश्चित तौर पर इस जो अभियान चल रहा है, इसमें भी इस तरह के जो बदमाश हैं, जो बड़े बड़े बदमाश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम जानते हैं कि कल 30-30, 40-40 अपराधों के जो वांछित बदमाश हैं, जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें आई थी, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और कार्रवाई अगले आने वाले 15-20 दिनों तक प्रतिदिन जारी रहेगी। अगर हम 6 महीने में देखें तो पिछले लगभग 100 लोगों के खिलाफ राष्ट्रवाद की कार्रवाई की गई है, लगभग 200 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। लेकिन इन कार्रवाइयों के साथ साथ अगर कोई आपराधिक गतिविधि में भाग लेता है, पुलिस उसके खिलाफ भी तत्परता से कार्रवाई करती है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ पुलिस की लगातार जारी रहेंगी और किसी भी तरह के रंच मात्र भी अगर किसी तरह की कोई अव्यवस्था, अराजकता पैदा करता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभियान चालू हुआ है तो उसके शिकायतें आने लगती हैं लोगों की, उसमें अगर किसी को अगर कोई तथ्य है या किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो कोई दे सकता है। अगर कोई किसी का अतिक्रमण किया है या उसमें इस तरह के आपराधिक गतिविधि वाला कोई व्यक्ति सक्रिय है, तो लोग उसकी शिकायत कर सकते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।